इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी लालू यादव से मिलने मीसा भारती के आवास पहुंचे हैं सर, क्या खबर आ रही है? बिल्कुल मनीष, इस वक्त की बड़ी खबर है कि राहुल गांधी मीसा भारती के आवास पर, चूंकि लालू यादव हैं और सिर्फ लालू ही नहीं है, तेजस्वी भी उनके साथ पटना गए हैं, तो दोनों लोग हैं, इनफैक्ट मीसा भारती भी हैं, और उस बीच में राहुल गांधी मुलाकात करने पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात खत्म भी हो गई है, लेकिन इस मुलाकात के मायने निकाले जा सकते हैं। मायने इसलिए निकाले जा सकते हैं चूंकि आपको याद है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, राहुल गांधी की सदस्यता अब बहाल होने वाली है। उनको जो सूरत हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, गुजरात हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, उस पर रोक लगा दी है मोदी सर सुप्रीम ने, कोर्ट ने। मोदी सर ने वाला मामला तो जो था उसमें उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। महज 24 घंटे के अंदर इधर गुजरात सेशन कोर्ट का आया, सूरत सेशन कोर्ट का डिसीजन आया, और उसके बाद 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता भी ऑटोमेटिक, चूंकि 2 साल की जिनकी भी सजा होती है उसके बाद ये प्रावधान है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो ये सारी प्रक्रिया महज 24 घंटे के अंदर हो गई। गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से इस फैसले को चुनौती दी गई थी, लेकिन वहां से भी उनको राहत नहीं मिली। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई थी, अभिषेक मनु सिंघवी ने उनका पक्ष रखा आज, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के फेवर में फैसला सुनाया है। हालांकि केस चलता रहेगा, ट्रायल चलता रहेगा, तब तक उनकी सदस्यता बहाल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कांग्रेस की तरफ से पूरे देश में जश्न भी मनाया गया है और लोकतंत्र की, न्याय की जीत इसे बताई जा रही है। इसके अलावा राहुल गांधी की सदस्यता जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर रद्द की गई थी, उसी तरीके से बहाल करने के भी कांग्रेसियों की तरफ से मांग की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांग की है कि उनकी सदस्यता फिर से बहाल होनी चाहिए। जितनी तत्परता रद्द करने में दिखाई गई उतनी तत्परता देखनी चाहिए उनकी सदस्यता बहाल करने में। और सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, उस दौरान राहुल गांधी चर्चा में भी मौजूद रह सकते हैं। माना जा रहा है कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी स्पीकर के पास, लोकसभा के स्पीकर के पास पहुंचेगी, और उसके बाद तब जो प्रक्रिया होती है स्पीकर की तरफ से करके, और उनकी सदस्यता बहाल की जाएगी। तो ये राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए तो बड़ी बात है ही, लेकिन बड़ी बात विपक्ष के लिए भी है, उन 26 दलों के लिए भी है, और इसी को लेकर के मुझे लगता है कि मुलाकात करने राहुल गांधी लालू यादव के पास गए हैं। राहुल गांधी ने स्टेटमेंट भी दिया है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि जिन्होंने भी इस विषम परिस्थिति में हमारी मदद की है, मैं सबको धन्यवाद देता हूं, उनका आभार जताता हूं। तो हो सकता है कि लालू यादव दिल्ली में है, तेजस्वी यादव भी दिल्ली में है, और उन लोगों ने, और लालू की कांग्रेस से नजदीकियों को सब जग जाहिर जानते हैं, तो वो आभार जताने भी गए हो, लेकिन इस आभार जताने के पीछे बड़ी रणनीति भी बन सकती है, बड़ी बातें हो सकती है। चूंकि अब ये कहा जा रहा है कि क्या अब राहुल गांधी की जब सदस्यता बहाल हो गई तो क्या अब वो विपक्ष का चेहरा होंगे, यानी कि 26 दलों का नेता उन्हें बनाया जाएगा? क्या चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री पद के राहुल गांधी को उम्मीदवारी मिलेगी? ये तमाम सवाल है, और इन तमाम सवालों पर बातचीत होगी, जरूर बातचीत होगी, क्योंकि दो बड़े राजनेता जब मिल रहे हैं, लालू गांधी, और लालू गांधी हालांकि नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार बिहार की सरकार के मुखिया हैं, सीएम हैं, और वो भी प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हैं। कन्वीनर बनाए जाने की बात पहली बैठक से ही हो रही है, लेकिन 2 बैठक संपन्न हो गई, अब तक कन्वीनर नहीं बने, संयोजक नहीं बने हैं। तीसरी बैठक में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने चूंकि इस मुहिम की शुरुआत की थी और सफलता मिल रही है, तो नीतीश कुमार को अब शायद इसका इनाम मिलेगा। लेकिन और इससे पहले भी जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई थी, तब ये कहा जा रहा था कि अब तो कोई दावेदार ही नहीं है, नीतीश कुमार के सामने में कोई चेहरा ही नहीं है जो नीतीश कुमार को टक्कर दे सके, मुकाबला दे सके, चूंकि राहुल गांधी अयोग्य हो गए थे, चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे 2024 में। लेकिन अब इस फैसले के बाद राहुल गांधी ऑटोमेटिकली चुनाव भी लड़ सकते हैं और फेस भी माने जा रहे हैं। राहुल बनाम मोदी 2014 और 2019 में भी हो चुका है, सफलता बिल्कुल नहीं मिली कांग्रेस को या फिर यूपीए को, लेकिन अब
सफलता मिले न मिले वो बात की बात है, अब तो सबसे पहली बात यह कि क्या 26 दल अब राहुल गांधी के नाम पर तैयार होते हैं या नीतीश कुमार के नाम पर तैयार होते हैं। मुझे लगता है कि ये सारी बातें डिस्कशन हुई होगी लालू लालू यादव से और नीतीश राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान कि अब आने वाले दिनों में क्या करना है, क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के तौर पर चेहरा के तौर पर आगे बढ़ाना है या राहुल गांधी को के नाम को आगे बढ़ाना है। ये तमाम चीजें बातें हुई होगी और आने वाले दिनों में अब कांग्रेसियों में नई जान आ गई है, नई ऊर्जा का संचार हो गया है, चूंकि उनके नेता की जीत हुई है, अब वो चुनाव भी लड़ सकते हैं 2024 में, चेहरा भी हो सकते हैं। और राहुल गांधी को गाये बगाये कांग्रेस की तरफ से कहा भी जाता रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अगली बैठक जो मुंबई में होने वाली है, महाराष्ट्र में होने वाली है, क्या उस बैठक में किसका नाम उछाला जाता है प्रधानमंत्री पद की रेस के लिए, प्रधानमंत्री पद के तौर पर क्या राहुल गांधी को अब जो 26 दल नीतीश कुमार के कहने पर एक हुए हैं, तो क्या वो 26 दल चुनाव से पहले राहुल गांधी के नाम पर अपनी सहमति जताएंगे या फिर चुनाव के बाद ही, जो अब तक कहा जा रहा है कि कोई चेहरा नहीं होगा विपक्ष का, अब तक भी जब भी मनमोहन सिंह भी 2014 से पहले जब दो बार कंटिन्यू किए थे 2004 से 9 और 9 से 14, तब भी यूपीए का कोई फेस नहीं था। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात सामने आ रही थी 2004 में, लेकिन सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह का नाम अचानक उछाला था। तो चेहरा बनाए जाने की मोदी के सामने में कोई बाध्यता नहीं है, दूल्हा कौन होगा ये बीजेपी की तरफ से कहा भी जा रहा है कि इंडिया जो हुआ है नाम उसका दूल्हा कौन है। तो अब इस दूल्हे पर बातचीत हो रही है, चुटी अब दूल्हा के दावेदारों में एक और दूल्हा सामने आ गए हैं, राहुल गांधी, केजरीवाल, नीतीश कुमार सहित कई, ममता बनर्जी सहित कई नेता तो पहले से ही थे, शरद पवार हो गए, अब उसमें एक और नया नाम इस फैसला आने के बाद जुड़ गया है राहुल गांधी। और वो नया नाम कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बल्कि दमदार नाम है, बड़ा नाम है, और उस नाम पर दो इलेक्शन हो भी चुका है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की छवि जो पहले बिगाड़ने की कोशिश हुई थी वो छवि बनी है, पहले से बेहतर हुई है, और राहुल गांधी अब पहले के मुकाबले बेहतर समझदारी भी दिखा रहे हैं और लोगों के बीच में लोकप्रियता भी उनकी बढ़ी है, खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। और कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी फिर से भारत जोड़ो यात्रा पर भी जो छूट गया था उन जगहों की यात्रा भी करेंगे, उन राज्यों की यात्रा भी करेंगे, उसमें बिहार भी शामिल है। तो ये मुझे लगता है कि मुलाकात छोटी जरूर थी, लेकिन इन सब इस मुलाकात में ये सारी बातें जरूर हुई होगी। और इस बात की छुट्टी नीतीश कुमार पटना में है और लालू और तेजस्वी वहां पे है, और एक तरीके से इस मुलाकात को हम कह सकते हैं कि अचानक हुई मुलाकात है। तो अब नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा होता है, चूंकि कहा जा रहा था जो वरिष्ठ राजनीति विश्लेषक थे, जब सदस्यता खतरे में पड़ी थी यानी आयोग ठहराया गया था, तब ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की अब प्रधानमंत्री बनने की राह आसान हो गई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या नीतीश कुमार के मन में ये अब कहीं ना कहीं जरूर सोचना शुरू कर दिया हो कि कहीं ना कहीं अब शायद उनकी राह प्रधानमंत्री बनने की या प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनने की मुश्किल हो गई है। खैर, लालू और राहुल गांधी में अंदर खाने क्या बात हुई है, लेकिन हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो एक छुट्टी ऐसी परिस्थिति चल रही है राजनीति में, इसी लिहाज से चर्चा कर रहे हैं, और जरूर ऐसी चर्चा हुई होगी छुट्टी बहुत कम दिन बचे हैं जब तीसरी बैठक भी होने वाली विपक्ष की। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद।